हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे का ये सेशन नंबर 159 है और आज का हमारा वर्ड है लैकेडेसिकल। आई रिपीट, लैकेडेसिकल। आइए आगे की स्लाइड्स में इस वर्ड लैकेडेसिकल को डिटेल से जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव इन नेचर और इसका मीनिंग है शोइंग लिटिल और नो एंथुजियाज्म, विदाउट स्पिरिट और एफर्ट्स। मतलब जब आप बहुत सुस्त हों, स्लो हो, ढुलमुल हो, नीरस हो, राइट, आलसी टाइप के हो, आपके भीतर उत्साह की बहुत कमी हो, नॉट बिकॉज यू आर वेरी टायर्ड। खासतौर पे ये इसलिए आप लैकेडेसिकल नहीं है कि आप बहुत सारा काम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा थक गए हैं। ये आपके नेचर में ही है कि आप बहुत ज्यादा स्लो मोड में रह करके काम कर, राइट। अब जैसे कछुआ बहुत धीमे चलता है तो क्या कछुआ थका रहता है? नो, उसके मूवमेंट से लैकेडेसिकल है। अब जैसे सिर्फ 10 किलोमीटर की ही रोड बननी थी, अब डिपार्टमेंट ने उसको बनाने में जो है 2 ईयर्स लगा दिए, तो क्या साधन की कमी थी? नहीं, इच्छा शक्ति की कमी थी, ना कि वर्कर्स थके हुए थे। तो ये लैकेडेसिकल अप्रोच है, मैनर, आपका नेचर लैकेडेसिकल होता है। इसलिए नहीं कि आप फिजिकली टायर्ड हैं, बल्कि आप हैं ही ऐसे नेचर से, स्लो टू रिएक्ट, स्लो टू एक्ट, बहुत सुस्त टाइप के व्यक्ति को लैकेडेसिकल कहते हैं। सर, इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? लैक का मतलब ही होता है सर कमी, जैसे लैक ऑफ ब्लड कॉजेस एनीमिया, खून की कमी, लैक ऑफ विटामिन, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, लैक ऑफ फूड, फूड की कमी। तो लैक का मतलब ही सर कमी से होता है, इस बात को याद रखिए। तो लैकेडेसिकल है तो यहाँ भी कमी, यहाँ कमी है उमंग की, उत्साह की, मन की कमी है, राइट, तभी आप स्लो हैं। अब ध्यान से देखिए सर, लैकेडेसिकल का जो लैक है इससे और भी वर्ड्स बनते हैं, जैसे स्लैक बनता है। स्लैक का मतलब ही सर यही होता है, स्लो होना बहुत ज्यादा। आइए, योर अप्रोच इज अ बिट लैकेडेसिकल, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ गुड जॉब फॉर योरसेल्फ। आपको अपने लिए एक अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, जबकि आप बहुत पढ़े लिखे काबिल हैं। वाई? क्योंकि आप 2 दिन नौकरी को सर्च करेंगे, फिर 4 दिन नहीं सर्च करेंगे। अरे, आपको नौकरी अगर चाहिए तो दिन भर आपको सर्च करना होगा, सुबह से लेकर शाम तक आप 2-4 दिन दौड़िए, अभी जॉब मिलेगी। पूरे मन से कोशिश नहीं कर रहे, आप 1 दिन कोशिश करते हैं फिर 4 दिन कोशिश नहीं करते। सो यू आर लैकेडेसिकल, दैट्स व्हाई नॉट एबल टू फाइंड अ गुड जॉब। नंबर 2, कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन कंट्रीज लाइक आर्स, तमाम देशों में जैसे कि हमारा ही देश है, वहां पे जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है यानी कि जो कोर्ट की कार्यवाही है कैसी है? आर लार्जली लैकेडेसिकल इन नेचर। हाँ, आज किसी केस की पहली पेशी पड़ी तो फिर दूसरी पेशी हो सकता है 4 महीने बाद पड़े, क्यों? ऐसा ही तो होता है, एक नॉर्मल से केस इंडियन कोर्ट्स में 8 से 10 साल चलता है अक्सर। तो हमारे कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो नेचर से कैसी है? लैकेडेसिकल है, राइट, बहुत स्लो मोड में काम करती हैं। वी हैव वन मोर एग्जांपल, ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन, मैंने जो मेडिसिन ले रखी है या आई एम टेकिंग दीस डेज, इन दिनों मैं जो दवाई ले रहा हूं उसके असर के चलते आई ऑफ्टन फील ड्राउजी, मुझे अक्सर ना लगता है कि मैं उंघा रहा हूं, नींद जैसी आती रहती, एंड माय मूवमेंट्स आर लैकेडेसिकल, इसीलिए मैं तेज नहीं चलता, धीमे धीमे चलता हूं और चलने का मन ही नहीं करता है। ये हो गया सर लैकेडेसिकल वर्ड। आइए सिनोनिम्स जान लेते हैं। अपैथेटिक, स्लैक, लेड बैक। लेड बैक का मतलब होता है जब आप आराम से चेयर पे पीछे टेक लेकर के बैठे हैं, तो ये क्या है? आप आराम पसंद करते हैं। लिथार्जिक, स्लो, पैसिव, एक्टिव ना होना, स्लोथफुल भी यही है, स्लो होना, ड्रीमी। हाँ, ड्रीमी लोग कैसे होते हैं? ड्रीमी लोग वो होते हैं जो सपने देखते रहते हैं पर करते कुछ नहीं, तो इस तरीके से ड्रीमी आदमी भी क्या हुआ? काहिल हुआ, आलसी हुआ। एंटोनिम्स, एक्टिव, फास्ट, क्विक, मूविंग, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि लिखा तो है एक्टिव, एंथुजियास्टिक, पैशनेट, क्विक, प्रॉम्प्ट, लाइवली, इंटरेस्टेड, ऑल दीज, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। आई होप आपने जरूर इस सेशन को एंजॉय किया होगा। कैसा लगा आज का ये वर्ड ऑफ द डे का सेशन, मुझे जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप लर्निंग, बाय, टेक केयर, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, नमस्कार।